बेटा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट सीखने से पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। अगर आपको गोल्डन रूल्स जो किसके जनरली कितने टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में पढ़ते हो आप जनरली टाइप ऑफ अकाउंट पढ़ते हो, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बट बेटा रियलिटी में आपके दो ही टाइप के अकाउंट होते हैं, एक आपका पर्सनल अकाउंट और एक आपका इम्पर्सनल अकाउंट। उन्हीं के रूल्स आप आगे क्या करते हो, पढ़ते हो और उन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटेंसी, जिसको आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बोलते हो, पूरी अकाउंटेंसी क्या होगी आपकी, बेस्ड होगी। तो आज हम चर्चा किसके ऊपर करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपको अकाउंट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट के रिगार्डिंग। तो लेट्स बिगिन। टाइप्स ऑफ अकाउंट बेटा, जनरली आपके जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो कितने टाइप्स में डिवाइड किया आपने उनको, टू टाइप्स में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का कनेक्शन किसके साथ होता है, किसी भी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी, आप जैसे लोग, मेरे जैसा पर्सन या कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन, वो सभी के सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट में जनरली क्या कंसीडर होते हैं, कोई भी नेचुरल पर्सन लाइक राम, श्याम, मोहन, सोहन, मीता, सीता, मोहन, वर्ल्ड में ए टू जेड जितने भी नाम हैं जो किसी भी नेचुरल पर्सन से रिलेटेड है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पर्सनल अकाउंट को। कोई भी पर्सन जो क्रिएट हुआ है लॉ के थ्रू या किसी भी आपके कोऑपरेटिव एंटिटी के थ्रू, तो वो भी किसका पार्ट होगा, पर्सनल अकाउंट का है। या कई बार आप ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करते हो, जहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन ही उनका सब पूरा का पूरा ग्रुप रिप्रेजेंट हो जाता है, तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका पर्सनल अकाउंट को। इम्पर्सनल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट के टू टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल। मैंने इनको अलग अलग क्यों किया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले मैं बात करता हूं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट जनरली होता है वो अकाउंट जो किसी भी इंडिविजुअल फर्म, किसी भी इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन या किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या बोलते हो आप, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट को तीन टाइप्स में सब डिवाइड कर दिया हमने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जहां पर कोई भी आपका, जो आपका नेचुरल पर्सन होता है, गॉड गिफ्टेड, क्रिएटेड बाय गॉड, जो गॉड गिफ्टेड होता है, जिसमें एबिलिटी होती है क्या करने की, किसी सेकंड के पार्टी के साथ क्या करने की, डील करने की, एग्रीमेंट्स करने की और बिजनेस को कंडक्ट करने की। नाम तो बिजनेस का आएगा हमेशा, क्योंकि बिजनेस पर्सन को आप काउंट नहीं करते, मैंने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझाया था, बट उसे चलाने वाला कौन होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है, क्योंकि सोचना, समझना, रन करना, वो सारी कैपेबिलिटी किसके पास होती है, इस पर्सन के पास होती है। इट मीन शॉर्ट में क्या बोला आपने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो जिसमें सभी के सभी आपके नेचुरल पर्सन आते हैं, जिनको क्रिएट किया जाता है गॉड के थ्रू और गॉड गिफ्टेड होते हैं, और उन पर्सन में एबिलिटी होती है डील और एग्रीमेंट करने की। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आपकी कंट्री में जितनी भी आपकी फर्म्स और जितनी भी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल हो गया, कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब मैनमेड, जिनको रन किया जाता है, ह्यूमन बीइंग कह रहे हो। इट मीन आर्टिफिशियल फर्म्स आर रन बाय नेचुरल फर्म। नेचुरल पर्सन आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इसको क्या करेंगे, रन करने का काम करते हैं। इसमें क्या आती है, आर्टिफिशियल में, नेचुरल में आपने डाला राम, श्याम, मोहन, इस टाइप के वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं नेचुरल, जिनमें एबिलिटी थी डील करने की, वो किसमें आए, नेचुरल में। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा आपका, रिलायंस कंपनी, टाटा, बिरला, इस तरह के सारे जो आपकी कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपकी आर्टिफिशियल फर्म्स होती है, जिनको क्रिएट किया जाता है ह्यूमन बीइंग के थ्रू, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर कोई भी अकाउंट ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर जाए, ग्रुप ऑफ पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं, उन सभी के सभी 100 एम्प्लॉइज की सैलरी अभी आपने पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग सैलरी,
आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये 1% की नहीं, ये ग्रुप ऑफ पर्संस की बात की है मैंने, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सिंगल पर्संस की नहीं, आउटस्टैंडिंग एंट्रीज क्या बनाई आपने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, क्योंकि बेटा आपके बिजनेस में रूल होता है एक्सपेंडिचर एज वेल एज लाइबिलिटी एंड इनकम एज वेल एज एसेट्स। क्या समझाना चाहता हूं, जो चीज आपके लिए एक्सपेंडिचर है लाइक दिस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगी आपके लिए लाइबिलिटी, और जो आपके लिए इनकम है वो दूसरी तरफ क्या बन जाएगी आपके लिए एसेट्स। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है वो ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करता है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड इसी में क्या यूज कर सकते हो आप, प्रीपेड इंश्योरेंस। आपने इसी साल नेक्स्ट 2 or 3 years के क्या कर दिया, एडवांस में क्या कर दिया, इंश्योरेंस की पेमेंट कर दी। कोई भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आइटम होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रियल और नॉमिनल अकाउंट, इट मींस इंपर्सनल अकाउंट के सब पार्ट्स की। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जनरली कनेक्टेड होता है किसके साथ, एसेट्स के साथ। अगर आप बिजनेस की एसेट्स को लेके बात करने लग रहे हो तो उसका डील किसके साथ हो गया, आपके रियल अकाउंट के साथ। इसमें एसेट्स में आप इंक्लूड करते हो कैश को भी, किसको, कैश को। और अगर मैं बैंक अकाउंट की बात करूं, बैंक अकाउंट आपका किसका पार्ट होता है, बैंक अकाउंट आपका या तो वो फर्म के नाम पर खोला जाएगा या वो पर्सन के नाम पर, वो किस में डील होगा आपका, पर्सनल अकाउंट में। बट कैश वो एसेट से रिलेटेड होता है, वो किस में डील होगा आपका, रियल अकाउंट में। यानी कहने का मतलब जब हम ऑल काइंड ऑफ एसेट्स की बात करते हैं तो उन एसेट्स को रियल अकाउंट के अंदर डाला जाता है। इसमें इंक्लूड किसको कर दिया मैंने, कैश को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये रियल अकाउंट हो गया आपका। फिर मैं बात करता हूं किसकी, नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट बनते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, जितने भी आप नॉमिनल अकाउंट बनाओगे, नॉमिनल अकाउंट जनरली कनेक्टेड होते हैं आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के साथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के साथ जितने भी आपके खर्चे और इनकम की रिकॉर्डिंग करनी हो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स में, वो सभी के सभी किस में आएंगे, आपके नॉमिनल अकाउंट्स का पार्ट बनेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स का इनकम मैंने आपको पहले बताया है, इनकम किसको रिप्रेजेंट करती है, अच्छी बातों को, और अच्छी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। एक्सपेंडिचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बुरी बातों को, बुरी बातों के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके नॉमिनल अकाउंट की जब आप नेक्स्ट ईयर में कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस करते हो इसके, उसका जो नेक्स्ट ईयर का कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस होता है, नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्डेड बैलेंस, वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, जीरो, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड सभी एक्सपेंडिचर को आप मैचिंग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जिस अकाउंटिंग ईयर में आपको इनकम जनरेट हुई है उस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड इनकम में से उससे सभी एक्सपेंडिचर क्या कर देना, कवर अप कर देना। आप नेक्स्ट ईयर की इनकम में से प्रीवियस वन एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो आपका जो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस होता है वो आपके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या होगा, जीरो। इट मींस जब आप नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग करोगे, ये इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, जीरो से। बट जो आपका रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का आपका कैरिड फॉरवर्डेड बैलेंस होते हैं, आप यहां पर प्रीवियस ईयर का जो एसेट्स का पेंडिंग बैलेंस होता है उसे आप नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर सकते हो, कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। तो आप जो इसको कैरिड फॉरवर्ड करने लग रहे हो तो रियल अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस होते हैं, बट जो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का जस्ट आपका यहां पर आप करंट ईयर में ही इसके सभी एक्सपेंडिचर की क्लोजिंग कर दोगे, नेक्स्ट ईयर उसका बैलेंस क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है।
ये आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट थे, पर्सनल और इनपर्सनल।